हाँ जी दोस्तों, मैं एस आरजे सूरज आपके लिए लेकर आया हूं पशु परिचर की मैथमेटिक्स कुछ आसान शब्दों में। आपको जानकर खुशी होगी दोस्तों कि आप जो हैं अपने इस चैनल एस आरजे मैथमेटिक्स पर पहले पढ़ रहे थे क्लास 9th और 10th की मैथमेटिक्स। अब उसके साथ में जो है आपको हमारे इस चैनल पर जो है पशु परिचर की मैथमेटिक्स भी समझने के लिए आपको उपलब्ध रहेगी। तो आज जो है पहली क्लास से ही अपन शुरुआत करते हैं पशु परिचर की मैथमेटिक्स की, जिसके अंदर सबसे पहले जो है माय डियर स्टूडेंट अपन पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में, यानी प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। तो आप जो है अगर पशु परिचर की मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर पधारे और चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्लास अगर अच्छी लगती है मित्रों तो आप अपने जितने भी कॉन्टेक्ट है, अपने डियर मित्र जो भी हैं, उन सभी के साथ ये क्लास शेयर करना ना भूले। तो बिना समय को गवाए अपन बात करते हैं परसेंटेज वाले टॉपिक की। प्रतिशत जो अपना टॉपिक है इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर, और शुरुआत करेंगे प्रतिशतता की। सभी को पता है कि प्रतिशत क्या होता है, नॉर्मल बेसिक सब जानते हैं कि प्रतिशत जो होता है उसका साइन यानी कि निशान जो होता है ये होता है प्रतिशत। ठीक है, अब कह देवे जैसे ए का बी प्रतिशत, ए भी कोई संख्या है और बी जो है वो भी क्या है दोस्तों, यहां पर एक संख्या है, ए और बी दोनों संख्याएं हैं। तो ए का जो है बी के साथ क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है ए का बी प्रतिशत। अब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये आपको पता करना है। 2 मिनट अभी अपन समझ लेते हैं इस चीज को। आपको रेगुलर दोस्तों यहां पर क्लास 9th और 10th की मैथमेटिक्स के साथ जो है हर दिन 1 बाय 1 करके छोड़ सकते हैं पहले अपन, बाकी आपको रेगुलर जो यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स देखने को मिलेगी, समझने के लिए आपको मिलती रहेगी क्लासेस। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहे, और क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूले। सब्सक्राइब की बात बाद में है, आप शेयर जरूर करें क्लास को, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं वो देखेंगे इस क्लास को, तो जिनको समझ में आएगी वो हमसे जुड़ने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए बात करते हैं अपन अपने टॉपिक की। एक बी प्रतिशत, तो आप क्या करोगे, ए इंटू बी लिख के बटेरा में क्या कर सकते हो, 100। ए का बी प्रतिशत निकालना है तो ए इंटू बी बटेवा क्या कर सकते हैं, हम यहां पर 100 कर सकते हैं। दिख रहा सभी को, अब क्लियर दिख रहा होगा शायद, 2 मिनट। ए का बी प्रतिशत तो हम जो है क्या करेंगे, ए इंटू बी बटेवा 100 लिख सकते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखूं फॉर द एग्जाम्पल 100 का 50% ज्ञात करो, 100 का 50% ज्ञात करो। हाँ दोस्तों आप जो है घबराइए नहीं, क्योंकि अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया है, जो टॉपिक मैं स्टार्ट कराऊं पूरा अच्छे से पूरा क्लियर करवाऊंगा, कैसे क्या प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्न अपन सॉल्व करेंगे, पर अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया तो उसको बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से। ठीक है ना, तो आता है तो भी आप ध्यान से देखिए, आपका रिविजन हो जाएगा, और जिनको नहीं आता उनको तो समझाना ही पड़ेगा। ठीक है, 100 का 50% तो क्या लिखेंगे, 100 × 50 और बटे में क्या आ जाएगा, 100। यही था फॉर्मूला ए का बी प्रतिशत, यानी ए इंटू बी बटे 100। तो ए का बी प्रतिशत तो ए इंटू बी, तो ए इंटू बी बटे में क्या आ गया, 100 आ गया। ये 00 से 00 कट गया, तो आंसर कितना आ गया भाई, यहां पर 50 आ गया। तो 100 का जो 50% वो कितना होगा, 50 यहां पर हो जाएगा। ठीक है, जैसे और एक सवाल की बात करें अपन, 15 का 60%, 15 का 60% ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे अपन मित्रों, देखना 15 × 60 और बटे हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। 0 से 0 कट गया, 2 से काटा इसको 3 बार, इसको 2 से काटा 5 बार, फिर ये 5 से कटेगा ये 3 बार, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 15 का जो 60% है वो कितना हो चुका है, 9 हो गया। ठीक है भाई, अब और आगे बढ़े अपन। किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना, तो प्रतिशत में बदलने के लिए कौन सा तरीका यूज करना है, कैसे क्या करना है, वो आप इधर देखिएगा। जैसे कि यहां पर लिखूं मैं 1 को प्रतिशत में बदलना, तो क्या करेंगे,
ए इंटू सो लिख के क्या लगा दो, प्रतिशत लगा दो, 100 से गुणा करवा के प्रतिशत लगा दो। कोई भी संख्या हो, ए माने कोई भी संख्या हो, तो यानी कि कोई भी संख्या दे रखी है, अगर उसको प्रतिशत में बदलना है तो उसको 100 से गुणा करवा के परसेंट लगा दो, वो प्रतिशत में बदला जाएगा। कैसे देखना, फॉर द एग्जाम्पल यहां पे लिखा मैंने 50 को 100% में बदलो, 50 को 100% में बदलो, तो क्या करेंगे अपन देखना, 50 इंटू 50 इंटू 100 लिखकर क्या लगा देंगे, इसके साथ में प्रतिशत लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 5000%। 50 को प्रतिशत में बदलना है, तो जो भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है उसके गुणा में 100 लिख के क्या लगा दो, प्रतिशत लगा दो, तो 5000% हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और नया सवाल देखे, 2/5 को प्रतिशत में बदलो, किसमें बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो चलिए कैसे बदलते हैं, 2/5 और यहां क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और पीछे क्या आ जाएगा, प्रतिशत जाएगा। 5 से कट रहा है तो काट दो, 5 2 10 और 0 का 0, 2 को 20 से गुणा करवाया कितना आएगा, 40, और ये प्रतिशत का क्या हो गया, प्रतिशत। तो अपने आंसर जो है वह कितने आ चुके हैं, 40% आ चुके हैं, 2/5 को प्रतिशत में अपन ने बदल दिया। ठीक है, जैसे एक सवाल और लेवे, ये साधारण दिन हो गया और नॉर्मल संख्या भी हो गई, इसी तरीके का अपन एक सवाल और लेवे प्रतिशत में बदलने के लिए, और उसके लिए जो सवाल है वो क्या रहेगा, मिश्र भिन्न में रहेगा। जैसे 5 से 2/5 को प्रतिशत में बदलो, 5 से 2/5 को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है भाई, अब प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे देखना, सबसे पहले तो इसको साधारण बिंदु में चेंज करो और फिर 100 से गुणा करवा दो। तो पहले लिख दूं, चलो 5 से 2/5 इंटू क्या लगा देंगे, 100, और ये आ गया प्रतिशत। 5 से 2/5 इंटू 100 लगाकर क्या लिख दिया, प्रतिशत लिख दिया। अब बदलते हैं तो 5 इंटू 5 25, और 25 में ऊपर वाली संख्या जोड़ेंगे। साधारण बिंदु में बदलने के लिए ये तरीका लगाते हैं, फर्स्ट वाली को नीचे वाली से गुणा, तो 5 इंटू 5 25 और 2 कितने हो गए, 27, और नीचे कितने आ गए, 5, और ये इंटू 100%। नीचे वाले 5 से ये कट रहा है, 5 2 10 और 0 का 0, गुणा करवा लो दोनों को, 0 और 14 के 4, हासिल का 1 4 और 1 5, 540% हो जाएगा। 5 से 2/5 को प्रतिशत में बदलने पर 540% आ जाएगा। ये मामला यहां तक, तो ये मिश्र भिन्न जो है इसको भी अपन ने यहां पर बदल दिया है। फिर आगे बात करते हैं अगले नए सवाल की। तो ये तरीका तो हो गया ना भाई, ए का बी परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए इंटू बी बटे वा 100 कर लेते हैं, और किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो हम उस संख्या को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो वो उसका क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। फिर तीसरा जो टाइप है उसमें देखना, आप प्रतिशत को उल्टा बदलना है, यहां पे लिखूं मैं 60% को साधारण भिन्न में बदलो, 60% को साधारण भिन्न में बदलो। तो बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 है और प्रतिशत हटाते हैं तो बटेवा में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। प्रतिशत हम अगर हटाते हैं तो बटेवा में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। 0 से तो 0 कटेगा, 2 से काटा 2 3 6, और इधर काटा 2 5 10, यानी कि 3/5, ये इसका आंसर हो चुका है। 60% को साधारण भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत हटाया तो बटेवा में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटा दोनों को, तो 3/5 इसकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा नया तरीका लेवे, सवाल का टाइप थोड़ा सा चेंज कर देवे कि सवाल कैसे क्या बनेगा। तो जैसे कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं अपन, यहां पे लिख दूं मैं 75 का कितना प्रतिशत है,
और एक प्रश्न यहां पर लिखूं मैं, 75, 550 से कितने प्रतिशत अधिक क्या है? अधिक है, सॉरी 75, 550 से कितने प्रतिशत कम है? फिर प्रश्न अगला, 75, 550, 75 से 550 कितने प्रतिशत अधिक है? 3 सवाल आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं, जिसके अंदर पहला प्रश्न कहता है कि 75 550 का कितना प्रतिशत है, दूसरा प्रश्न 75 550 से कितने प्रतिशत कम है, और 75 से 550 कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो जैसे अपन पहले सवाल को सॉल्व करें, तो पहला जो प्रश्न दे रखा है, वो दे रखा है 75 से 75 550 का कितना कितना प्रतिशत है। तो फिर यहां पर जो है तीनों प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार लिखे हुए हैं, जिनको अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तीनों प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो जैसे पहला प्रश्न दे रखा है 75 550 का कितना प्रतिशत है, 75 जो है ना 550 का कितना प्रतिशत है, तीनों के टाइप को समझ लेना, एक अधिक में, एक कम में और एक डायरेक्ट प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो जिसके बाद में का लिखा हुआ आ जाता है या से लिखा हुआ आ जाता है उसको कहाँ लिखते हैं हम, नीचे लिखते हैं। जैसे 75 550 का कितना प्रतिशत है, तो 75 लिखा और नीचे कितना लिख दिया, 550 लिख दिया, और ये लगा दिया इंटू में 100। ये पहला प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा ना, तीनों टाइप को, 0 से 0 कट गया, 5 से काटू इसको मैं 2 बार, इसको 5 से काटू मैं 11 बार, तो बच्चा कितना, ध्यान से देखो भाई, 2 × 10, 10 का 0, हासिल का 1, 2 7 14 और ये 15, और बटे में क्या आ गया, 11 आ गया। अब 11 का भाग 150 में लगा सकते हैं अपन या नहीं लगा सकते है? लगा सकते हैं। ये लगाया अपन ने 11 का भाग 1 बार, और कितने बच गए इधर, 4 40 हो गई, 11 3 33, और 7 बच गए, 7 बटेवा क्या हो गया यहाँ पे, 11 हो गया। तो 13 से जो है, 13 से 7 बटेवा 11, ये अपना आंसर हो चुका है। कब, 75 550 का कितना प्रतिशत है, तो 75 ऊपर लिखा और बटेवा 550 लिख के इनटू 100 कर दिया। अब दूसरे टाइप को समझते हैं क्या करना है, देखना, 75 550 से कितने प्रतिशत कम है, 75 जो है ना 550 से कितने प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले इन दोनों का क्या निकाल लो, अंतर, 550 में से 75 घटा लो, ये 10, 10 में से 5 गया, ये हो गया 4, ये 7 बच गया और इधर बच गया ये 4, 475, तो क्या आ जाएगा, 475, सॉरी 475 बटेवा क्या आ जाएगा, बटेवा में मैंने क्या कहा, का है, यानी कि जो से या का लिखा हो ना उसके पहले वाली संख्या आती है, तो यहां पे लिखा हो 550 से, इसका मतलब नीचे क्या आएगा, 550, और फिर इंटू में वो का हुई 100। आया समझ में, ऊपर इंटू में वापस 100 का 100 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, दोनों का अंतर निकाल लिया, इसने पूछा ना कितने प्रतिशत कम है, तो दोनों का अंतर निकाल लिया, 475 आया अंतर, उसको ऊपर लिख के, और फिर 550 से आ गया, तो 550 को नीचे लिख देंगे और इंटू में 100 लगा देंगे, 0 से 0 कट हो गया। अब काटेंगे 5 से 5 2 10, और 5 एकम 5 और 5 एकम 5 कितना हो गया, 5 से काटा 2 बार, ये 1 बार और ये 1 बार हो गया। फिर इसका गुणा करवा देते हैं, 2 × 5 = 10 का 0, हासिल 14 × 15 = 5, हासिल 2 × 4 = 8 और 1 = 9, 950 और बटे हम कितना आ गया, 11 आ गया। इसको भी अपन अगर चाहे तो इसके अंदर, इस भिन्न के अंदर जो है बदल सकते हैं, इस भिन्न के अंदर बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं देखना, ये प्रतिशत में चल रहा है ना, 11 8 88 और 7 11 11 6 66 और 4 बटेवा 11 और ये प्रतिशत। आया समझ में,
पूछा प्रश्न है 75 550 से कितने प्रतिशत कम है, तो दोनों का अंतर निकाल लिया 475 आया, तो 475 तो आएगा ऊपर नीचे आएगा, से के पहले वाली संख्या 550 और इंटू में 100 लगाना है और प्रतिशत चलता जाएगा लास्ट में। फिर जीरो से जीरो काट दिया, पांच से काटा दो बार, पांच से काटा 11 बार, तो ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करवाया, नीचे बच गया 11, 11 वाले का भाग लगाकर मिश्र बिंदु में बदल दिया, यानी कि जो है ये कितना प्रतिशत कम है, 86 से 4/11 प्रतिशत जो है दोस्तों यहाँ पर ये कम है। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं, तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या कहता है ध्यान से समझिएगा, 75 से 550 कितने प्रतिशत अधिक है। अब जो है ना 75 जो है ना इससे ये 550 कितने प्रतिशत अधिक है, तो फिर दोनों का पहले क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, 550 में से 75 घटाया कितना होगा भाई, 475 हो जाएगा, ये 475 हो गया, तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, 475 लिखेंगे और बटेवा में क्या लिखेंगे, से के पहले वाली संख्या या का के पहले वाली संख्या, से के पहले क्या है भाई 75 है, इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, फिर लगाएंगे इंटू, ठीक है भाई, और इंटू लगाया और यहां पे क्या लिख दिया 100 लिख दिया, आया मामला समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांच से काटा इसको दो बार और ये जीरो, पांच से इसको काटा ये कटेगा, 5 2 15 5 75 ये एक बार और ये पांच बार, फिर पांच से काटा इसको चार बार, इसको काटा तीन बार, गुणा करवा लेते हैं तो 4 5 20 का जीरो, हासिल का 2, 4 7 28 और 30 का जीरो, हासिल के 3, 4 4 16 और ये 17 और बटे हम क्या आ गया 3, 3 से भाग लगाया इसको तो ये 3 5 15 2 हो गया 20, 3 6 18 1 ये बटे हम 3%, ये आ गया भाई अपना आंसर, यानी कि ये जो है इससे इतना प्रतिशत अधिक है, आ गया समझ में। तीनों का टाइप आपको समझना है दोस्तों यहां पर, कि डायरेक्ट पूछा कि 75 550 का कितना प्रतिशत है, 75 लिखा और बटे हम का के पहले वाली संख्या ये 550 इंटू 100 कर दिया, काटा फांसी करने के बाद साधारण बिंदु को मिश्र बिंदु में बदल लिया। दूसरा तरीका फिर कि कम पूछा या ज्यादा पूछा, तो उसके लिए दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा, दोनों के बीच का जो अंतर है 475 है, तो 475 ऊपर, फिर से पहले वाली संख्या नीचे, तो 550 और इंटू 100 काटा फांसी करी, ये आया मिश्र बिंदु में बदल दिया, ठीक है। इधर भी वही तरीका, अधिक या कम पूछा, अधिक पूछा इसने तो दोनों के बीच का गैप यानी अंतर निकाला और ऊपर लिखा, से के पहले वाली संख्या को नीचे, से के पहले अगली बार 75 है तो नीचे लिख दिया 75 इंटू 100, काटा फांसी कर ये आया, भाग लगाया तो 566 से 1/3% आ चुका है। तो ये जो है कुछ इस टाइप के सवाल आज की क्लास में अपन ने समझने का प्रयास किया, और आई होप आपने अगर पूरी क्लास बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखी है तो आपको अच्छे समझ में आया होगा, और कल की जो क्लास रहेगी वो इससे भी मजेदार रहेगी, इससे जो बढ़कर अच्छे जो प्रश्न है उनको भी अपन सोल्व करेंगे, हर टाइप का प्रश्न यहाँ पर सोल्व करेंगे। आप शांति बनाए रखें और क्लास को पूरी देखें, क्लास आपको अगर अच्छी लगे तो आप क्लास को शेयर करना ना भूले। आपको यहाँ पर दोस्तों क्लास 9th का मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, क्लास 10th का मिलेगा, और अपनी पशु परिचर की मैथमेटिक्स की गणित भी आज से ही मैंने स्टार्ट कर दी है, तो कंटिन्यू आप क्लासेस देखें और अच्छा समझे और अपने जो है डाउट्स को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम और जय हिंद, धन्यवाद।